नगर पालिका विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुम्हारों के बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को तोड़ दिया, जिससे उन्हें खासा नुकसान हुआ है। लेकिन नगर पालिका नुकसान की बात से साफ इनकार कर रहा है। विभाग का कहना है कि टीम के साथ दुर्व्यवहार करते हुए लोगों ने स्वयं बर्तन तोड़े हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में कई वर्षों से कुम्हार परिवार मटके, घड़े, कुल्हड़ बेचने का काम करते थे, लेकिन नगर पालिका ने बिना किसी सूचना के वहां से अतिक्रमण हटाने का काम किया, जिससे पीड़ित परिवारों का कहना है कि नगर पालिका ने हमारे मिट्टी से बने कई सारे बर्तन तोड़ दिए, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ है। इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी आपबीती सुनाई। ये बिल्कुल नाइंसाफ से हुआ है, ये बिना सूचना के बिना उसके ऑर्डर से आए हैं। हम अपने घर में सारा काम कर रहे थे, हमें पता नहीं लगा ये अतिक्रमण किस टाइम आ गए। ये 4 बजे के टाइम में हम सब महिलाएं अपने घर में काम करते हैं, बच्चे अपने घर में काम करते जाते हैं, फिलहाल घर में कोई नहीं था, तो ये अतिक्रमण करने आए थे बिना सूचना से। सर ये आते ही एकदम टूटने लगे, हमने कहा रुक जाओ, मगर रुकने का उनका कोई काम नहीं था। जेसीबी ऐसे चला रहे थे जैसे क्या करने आए हैं, ये हमें मार ही देंगे सर। और एक के डंडा था उससे हम रोक रहे थे, मगर वो डंडा मेरे हस्बैंड के आगे सारा गाली भी दी सर, मगर मेरे हस्बैंड ने रोका भी, मारने के लिए आगे बढ़े थे मगर उसने डंडा उठाया, मेरे हस्बैंड पीछे हो गए। फिर सब 8-10 लोग आ गए थे मारने के लिए, कह रहे थे बूढ़े लोगों को बाहर निकालो, इनका हम इन्हें बताते हैं, सबक सिखाते हैं इनको। भाजपा नेता गौरव सोनकर ने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई के आदेश को लेकर कलेक्ट्रेट ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है उसमें हुए नुकसान की भरपाई की जाए। ये मामला चल रहा है, नगर पालिका कर्मचारी द्वारा इनके दुकान में जाके इनका सामान वामान की साथ तोड़फोड़ की गई है और इनकी साथ भद्दा की गई है। तो इसी विषय में कल मैंने माननीय SDM साहब को और DO साहब को फोन किया, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा कोई आदेश नहीं था। और तो फिर ये किसके आदेश पर कर्मचारी आए या फिर इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आए, क्या है इसकी अभी जो हमने दे रखा है SDM साहब को, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी मतलब जांच होगी और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो पहले उनको मतलब सजा दी जाएगी, इनसे अगर माफीनामा लिख करते तो माफी दी जाएगी और बाकी इनका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या कहते हैं कराई जाएगी। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगे से इस प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कुम्हारों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, ये एक शिल्प कला है जिसे इन लोगों ने जीवित रखा हुआ है। आगे से इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई की जाती है तो लोगों को अपना सामान संभालने का समय दिया जाना चाहिए ताकि किसी भी परिवार का कोई नुकसान न हो। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जनकपुर में कुछ कुम्हारों के साथ कुछ उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा जाति की गई, उनके घड़े गमले वगैरह हैं उनको जबरदस्ती तोड़ा गया, तो ये शिकायत लेकर आज ज्ञापन मेरे पास आई और मैंने इनको तलब किया है कि समझे क्यों आपने जो जबरदस्ती करी, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था कि अपना सामान समेट लें और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाता। तो यू को मैंने इस बात को बता दी कि भविष्य में ध्यान रखें कि ऐसे कोई कृत्य ना करें जिससे लोगों को नुकसान हो, तो इसी सिलसिले में इनका जो ज्ञापन है वो मेरे को दिया गया और मैंने यू को समझा भी दिया। इस मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला का कहना है कि सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बल के साथ में अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया, जो कि स्थानीय लोगों की भी मांग थी। लगातार अतिक्रमण को लेकर शिकायतें भी आ रही थी, लेकिन हमारी अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और लोगों ने स्वयं बर्तन तोड़े हैं। सड़क सुरक्षा अधिनियम है, उसके तहत सड़कों को सुरक्षित करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट में जनहानि ना हो, इसके तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो खरंजा रोड पर अतिक्रमण कर रखा है, इससे आवाजाही अवरुद्ध हो रही है। इस पर माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा खटीमा नगर पालिका को निर्देश दिया गया कि आप अपनी टीम के साथ पुलिस बल को लेते हुए जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका द्वारा अस्थायी अतिक्रमण जो था उसे हटाया गया। प्रयास हॉस्पिटल के पास जो अतिक्रमण की जद में आए हुए लोग हैं उनके संबंध में ये बताना है कि उनके द्वारा सड़क पर क्या कहते हैं अपने बर्तन आदि रखे गए थे, जिसे हमारी टीम द्वारा हटाने के लिए कहा गया था कि आप इसे हटा लीजिए। उसके बाद उनके द्वारा टीम से दुर्व्यवहार किया गया और बर्तनों को नहीं हटाया गया, जिस पर नगर पालिका कर्मचारी द्वारा उन बर्तनों को हटाने की कार्रवाई की गई। उसके उपरांत ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा स्वयं उन बर्तनों को तोड़ा गया।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।